आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के जीवित वचन से पढ़ें। यूहन्ना 14:27 में परमेश्वर का वचन कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसा संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। आमेन। सच में हमारा परमेश्वर शांति का राजकुमार है और उसके पास शांति की भरपूरी है, जो हमारी हर एक विपत्ति, हर एक परेशानियों में, हर एक दुख तकलीफ में अपनी शांति से हमें भरता है। तो सच में हमारा प्रभु महान है और उसके लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे पिता। प्रभु जी, मैं आपकी उपस्थिति में आती हूँ प्रभु। जितने भी लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, उन सब को तेरी उपस्थिति में लाती हूँ परमेश्वर, और उनके लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, सच में आप अच्छे, आप भले हैं मेरे प्रभु, और आपकी करुणा सदा की है परमेश्वर पिता। आप प्रेमी परमेश्वर हैं पिता परमेश्वर। आप दयालु और अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले, अति करुणामय परमेश्वर है मेरे प्रभु। सच में प्रभु, आप इस दुनिया में हमारे लिए आए प्रभु जी, और हमारे पापों को आपने क्रूस पर उठा लिया प्रभु, और हमें प्रभु आपने अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार दिया परमेश्वर। सच में मेरे पिता, आपने हमें अनंत जीवन का वारिस ठहराया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु। सच में आपके जैसा कोई नहीं प्रभु, क्योंकि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं मेरे प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाले परमेश्वर हैं मेरे पिता। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन लोगों के लिए प्रभु, जो आज के दिन भर में प्रभु जी बहुत फ्रस्ट्रेट रहे हैं मेरे प्रभु जी, और प्रभु वो बहुत ज़्यादा चिंतित रहे, बहुत ज़्यादा परेशान रहे। प्रभु परमेश्वर, आप उनकी सारी चिंताओं को उनके जीवन से दूर करें प्रभु जी। जो उनका मन आज दिन भर व्याकुल था परमेश्वर, प्रभु उस व्याकुलता को दूर करके प्रभु आप अपनी असीम शांति को परमेश्वर उनके जीवन में दें मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु मैं उन लोगों के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर, जो अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं प्रभु, और कहते हैं कि हमारा कोई नहीं प्रभु जी। वो व्याकुल रहते हैं, वो टेंशन में रहते हैं, वो परेशानी में रहते हैं प्रभु जी। पिता, उस अकेलेपन को आप दूर करके प्रभु अपनी शांति को उनके जीवन में दे मेरे प्रभु जी। प्यारे खुदावन प्रभु, जो लोग अपनी शादी के लिए चिंतित हैं मेरे प्रभु जी, प्यारे खुदावन आप उनके लिए मार्ग खोले परमेश्वर, आप उनके लिए रास्तों को तैयार करें परमेश्वर, आप उनके जीवन में नई उम्मीदों को लाएं प्रभु, और ताकि प्रभु इन सारी बातों से, इन टेंशनों से निकलकर परमेश्वर आप प्रभु उनके लिए रास्तों को तैयार करें प्रभु। और पिता परमेश्वर, अपनी शांति उन्हें दे मेरे परमेश्वर, क्योंकि प्रभु आप हमेशा बेस्ट देना जानते हैं मेरे खुदावन। प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ उन लोगों के लिए मेरे पिता, जिन्होंने प्रभु आज दिन भर प्रभु अपने बीमारी में गुजारा प्रभु जी, और बहुत चिंतित रहे प्रभु, बहुत परेशान रहे प्रभु। प्रभु जी, जो भी परेशानी उनको रही प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से वो बीमारी, वो परेशानी उनके शरीर को छोड़कर चली जाए। प्यारे पिता, आपके लिए कोई काम असंभव नहीं है मेरे प्रभु। आपका वचन कहता है कि यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हुए प्रभु। यीशु, आप प्रभु, नॉर्मली जो सरदर्द अगर किसी को हो रहा है प्रभु, पेट का दर्द हो रहा है प्रभु, किसी को बुखार है प्रभु, किसी को प्रभु जॉन्डिस है परमेश्वर पिता, और किसी भी प्रकार की बीमारी है प्रभु, यीशु मसीह नासरी के नाम से उस बीमारी को अधिकार से डांट कर उनके जीवनों से दूर करते हैं परमेश्वर, ताकि परमेश्वर आप अपनी पूर्ण चंगाई को उनके जीवन में दीजिए। क्योंकि आपका वचन कहता है कि तुम बीमारों के लिए प्रार्थना करो तो वे चंगे हो जाएंगे। यीशु मसीह, आप उन्हें चंगा करें, और चंगाई के साथ प्रभु अपनी असीम शांति को उनके जीवन में दे मेरे परमेश्वर। पिता, मैं आपसे दुआ करती हूँ प्रभु उन लोगों के लिए मेरे पिता, जो एडिक्शन में है प्रभु जी, और प्रभु वो नशा करके प्रभु उनका मन बहुत व्याकुल है प्रभु, और बहुत डरे हुए वो है पिता परमेश्वर। अंदर ही अंदर प्रभु शैतान उन्हें खत्म करता जा रहा है परमेश्वर, और पिता परमेश्वर एडिक्शन प्रभु, हम उस एडिक्शन को उनके जीवन से कैंसल आउट करते हैं प्रभु। हर एक शैतान के कार्य उनके जीवन से दूर करते हैं प्यारे प्रभु जी। प्यारे प्रभु,
आप इन गलत बातों से उन्हें उभार कर एक नया जीवन दे प्रभु, और एक नया करैक्टर उन्हें दे प्रभु जी। पिता उनके जीवन की गलत आदतों को बदल कर परमेश्वर उन्हें नया कर दीजिए, क्योंकि प्रभु हम यीशु मसीह में नई सृष्टि हैं। प्रभु आपका वचन कहता है पिता आप प्रभु उन्हें नई सृष्टि बनाए और अपनी शांति से भरे। परमेश्वर पिता, प्यारे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता उन लोगों के लिए प्रभु जिनके जीवन में सारी उम्मीदें टूट गई हैं प्रभु, और वो बहुत हताश हो गए हैं परमेश्वर, बहुत निराश हो गए हैं परमेश्वर पिता। आप उनकी होप को प्रभु दोबारा से प्रभु जी एक नया रास्ता दें परमेश्वर पिता। यदि वो होप प्रभु अपने जॉब के प्रति खो गए हैं प्रभु, अपने रिलेशनशिप को लेकर खो गए हैं परमेश्वर, यदि वो कोई भी आशा प्रभु अपने जीवन से रिलेटेड प्रभु उन्होंने खो दी है पिता, एक नई आशा को आप उनके जीवन में दे प्रभु, और वो नई आशा के साथ प्रभु आप दोबारा से उन्हें रिकवर करें प्रभु और अपनी शांति से भरे। परमेश्वर प्रभु जो अपने जीवन में आलस से परेशान है प्रभु, वो उनके जीवन का आलस दूर करके प्रभु उन्हें भी आप अपनी शांति से भरे परमेश्वर पिता। प्रभु जिसके अंदर प्रभु जलन की भावना है प्रभु, एक दूसरे से देखकर जलते हैं प्रभु, वो जलन की भावना यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसल आउट करते हैं प्रभु। आपका प्रेम हम उनके लिए क्लेम कर देते हैं परमेश्वर पिता। आप अपने प्रेम से अपनी शांति से उन्हें भरे परमेश्वर पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु जिनके जीवन में प्रभु, जिन हस्बैंड वाइफ के जीवन में प्रभु जी डिवोर्स होने जा रहा है परमेश्वर पिता, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं पिता कि ये प्रभु गलत कार्य उनके जीवन में ना हो परमेश्वर पिता, वरन उनकी सोच को आप बदल दीजिए, आप उनके रिलेशनशिप को टूटने से बचा दीजिए परमेश्वर पिता। आप प्रभु परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर है, क्योंकि प्रभु मनुष्य से तो नहीं वरन परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है पिता। आप उनके टूटे हुए रिश्तों को बनाए प्रभु, और डिवोर्स होने से परमेश्वर आप रोके परमेश्वर पिता, और उन्हें एक होने में एक दूसरे पर विश्वास करने से, एक दूसरे पर विश्वास करना और एक दूसरे से प्रेम करना प्रभु आप सिखाएं प्रभु जी पिता। आप प्रभु इस टेंशन से निकाल कर प्रभु अपनी शांति को उनके जीवन में दे मेरे प्रभु। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है प्रभु। और पिता परमेश्वर मैं उन बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर, जो अपने लिए प्रभु बुद्धि को मांग रहे हैं परमेश्वर, वो चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई में आगे बढ़े, हमें बुद्धि दे, हमें ज्ञान दे प्रभु यीशु। मैं उनके लिए बुद्धि, समझ और ज्ञान को मांगती हूँ प्रभु, जिन्हें स्टडीज़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है प्रभु, और प्रभु उन्हें बहुत ज़्यादा आगे जाके प्रभु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है पिता। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप अपनी ज्ञान बुद्धि समझ उन्हें दे परमेश्वर, अच्छा विवेक दे प्रभु, और परमेश्वर उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु आप प्रभु अपनी शांति को भी उनके जीवन में दे प्रभु जी। जो लोग प्रभु अपनी सिचुएशन में हाइपर हो जाते हैं प्रभु, बहुत जल्दी प्रभु वो हाइपर होने लग जाते हैं पिता, उन लोगों के लिए भी दुआ करते हैं प्रभु, उन्हें भी आप शांत करके अपनी शांति को दें परमेश्वर पिता। प्रभु जी जिनके काम नहीं बन पा रहे हैं प्रभु, जो भी काम वो करते हैं वो नहीं बन पा रहे हैं पिता, प्रभु हम दुआ करते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से वो कार्य बनने पाए। प्यारे पिता आप उनकी दुआओं को सुने, आप उनकी मदद करें, आप उनकी सहायता करें परमेश्वर, और प्रभु वो जो व्याकुलता है, वो जो टेंशन, वो जो डर उनके जीवन में है पिता परमेश्वर, आप प्रभु जी उनके जीवन में अपनी शांति को दीजिए प्रभु परमेश्वर। हम उन लोगों के लिए दुआ करते हैं प्रभु जो रात को सोते समय डरते हैं परमेश्वर पिता, और उन्हें अच्छी नींद नहीं आती है, दिन रात भर प्रभु वो करवटें बदलते बदलते थक जाते हैं परमेश्वर, परंतु उन्हें नींद नहीं आती है, वो व्याकुल रहते हैं, वो परेशान रहते हैं प्रभु परमेश्वर, वो सारी टेंशन, वो हर एक डर यीशु मसीह नासरी के नाम से कैंसिल आउट करते हैं प्रभु। आप उनके जीवन में कार्य कीजिए, आप अपनी शांति दीजिए प्रभु, ताकि प्रभु वो शांति से सो सके परमेश्वर, वो हर एक व्याकुलता उनके जीवन से दूर करे, वो हर एक डर उनके जीवन से दूर करे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है कि मत डर मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू लॉर्ड जीसस, धन्यवाद। इन सारी प्रार्थनाओं को पिता आपके हाथों में सौंपती हूँ पिता, कि आपने मेरी प्रार्थनाओं को सुन लिया, उसका आंसर हाँ और आमीन में दे दिया प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। और प्रभु सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना विनती उद्धार करता मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।